सेवेंथ यूनिट के अंदर कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ फ्रेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम किसी फोर व्हीलर्स के अंदर कौन कौन से होते हैं। आज उन फ्रेम्स के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेम का जो टॉप व्यू होता है, अगर ऊपर से हम उसका प्लान देखने की कोशिश करें तो ये स्केच से समझ सकते हैं कि दो लॉन्ग मेंबर्स होते हैं जिनको लॉन्गिट्यूडनल मेंबर कहते हैं। अगर हम टॉप से देख रहे हैं तो फ्रंट में दो व्हील होंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऊपर नीचे की तरफ देखिएगा, रियर व्हील होंगे इस तरीके से। तो दो लॉन्ग मेंबर हैं जिन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल मेंबर। इसी तरीके से क्रॉस मेंबर्स उनको जोड़ने के लिए इस तरीके से जुड़े होते हैं उनके, और इन क्रॉस मेंबर्स के बीच में ट्रांसवर्स मेंबर्स भी जुड़े रहते हैं। यानी ट्रांस मेंबर्स मेंबर्स को जोड़ने के साथ उनको हम इस तरीके से क्रॉस मेंबर से जोड़ देते हैं, और दो तीन दो लॉन्गिट्यूडनल मेंबर होते हैं। तो देखा जाए तो तीन अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मेंबर, एक ट्रांसवर्स मेंबर और एक क्रॉस मेंबर। तो क्रॉस मेंबर्स की संख्या डिपेंड करती है उस व्हीकल का व्हील बेस कितना है। तो व्हील बेस अगर ज्यादा है तो उसमें क्रॉस मेंबर्स और ट्रांसवर्स मेंबर्स की जो संख्या है वो भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर दी जाती है। तो इस कंस्ट्रक्शनल फीचर को एक स्टैंडर्ड मानते हुए किसी भी व्हीकल के अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि उस व्हीकल का जो चेसिस है, उस चेसिस में इंजन की माउंटिंग पोजीशन कौन सी है। यानी कि इंजन की जो माउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग हमको इस फ्रेम का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्योंकि हम इंजन की जो माउंटिंग है व्हीकल्स के अंदर अलग अलग तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है वो? फ्रंट इंजन, मिडिल इंजन और रियर इंजन। यानी कि अगर हम किसी चेसिस को देखें तो उसके अंदर अगर बिल्कुल आगे स्टीयरिंग की तरफ इंजन को माउंट किया हुआ है तो वो फ्रंट इंजन ड्राइव कहलाता है। अगर उसी व्हीकल के अंदर इंजन आगे ना रख के स्टीयरिंग सिस्टम के पीछे की तरफ, यानी ट्रांसमिशन सिस्टम या प्रोपेलर शाफ्ट के ऊपर की तरफ माउंट है, तो उसको मिडिल इंजन व्हीकल बोला जाता है। और यही इंजन अगर बिल्कुल पीछे वाले पहियों पे लगभग उसके आसपास माउंट किया जाए तो उसे रियर इंजन व्हीकल कहा जाता है। तो इस इंजन की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमको उसकी चेसिस का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। यानी कि हमको उसके ट्रांसमिशन सिस्टम को देखना पड़ेगा, हमको उसके ब्रेकिंग सिस्टम को देखना पड़ेगा, और उन सब चीजों को असेंबल करने के लिए ये जो फ्रेम कंस्ट्रक्ट करना है उस फ्रेम को हमें डिजाइन करना पड़ता है। तो फ्रेम को डिजाइन करते समय उस इंजन की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमको ट्रांस मेंबर्स देखने पड़ते हैं। इन ट्रांसवर्स मेंबर्स की जो संख्या है ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि फ्रंट व्हील और रियर व्हील के बीच का गैप कितना है, यानी व्हील बेस कितना है। जितना ज्यादा व्हील बेस होगा उतने ही ज्यादा अपने को उसके अंदर ट्रांसवर्स मेंबर्स लगाने पड़ेंगे, और जितने ट्रांसवर्स मेंबर होंगे उसके ऊपर हमने अगर इंजन माउंट करना है तो वहां पर उतनी ही संख्या में क्रॉस मेंबर्स एक्स की शेप में लगाना होता है ताकि फ्रेम के अंदर रिजिडिटी बनी रहे, उसकी स्टिफनेस बरकरार रहे। तो ये कंस्ट्रक्शनल फीचर रहते हैं किसी भी व्हीकल के फ्रेम को बनाने में। इस फ्रेम के कंस्ट्रक्शन में जो सेक्शन काम में लिए जाते हैं वो जनरली चैनल सेक्शन होते हैं, यानी कि माइल्ड स्टील या हार्डन स्टील के सेक्शंस रहते हैं। यानी ये जो मैंने मेंबर आपको बताया, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस मेंबर, ट्रांसवर्स मेंबर, ये सारे के सारे मेंबर जो है ब्रैकेट्स जो है वेल्डिंग के साथ चैनल सेक्शन या आई सेक्शन या टी सेक्शन, डिपेंड करता है कि हमने व्हीकल का कितना लोड उसके ऊपर अप्लाई करना है। यानी कि हैवी ड्यूटी व्हीकल है या लाइट कमर्शियल व्हीकल है या लग्जरी व्हीकल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके चैनल सेक्शन को डिजाइन करते हैं। कितनी उसकी डायमेंशन होनी चाहिए उसके हिसाब से उसको वेल्डिंग करके, उसको स्क्रू से टाइट करके, रिवेटिंग करके, जो भी वहां पर लोड आ रहा है उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड को असेस करते हुए, उसकी गणना करते हुए हम इस स्ट्रक्चर को, फ्रेम को असेंबल करते हैं, और इस असेंबली को उस व्हीकल की चेसिस को बनाने में इस्तेमाल।